खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नितिन जी, एक और बड़ा मामला है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार जानबूझकर इस मामले को तूल दे रही है, और जिस तरीके से पिटीशन लगाई गई सरकार की तरफ से कि न्यास की भूमि उसको लौटानी है जो गैर विवादित जमीन है अयोध्या में, आपको लगता है कि सरकार को इस पूरे मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी? देखिए, इस देश के करोड़ों लोगों की इच्छा है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद प्रभु रामचंद्र जी के जन्म स्थान के बारे में बहुत क्लियर डिसीजन आया है। उनकी इच्छा है कि जहां राम का जन्म हुआ है वहां राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, और ये करते समय बाकी अन्य धर्मियों के लोगों के मन में भी कोई भावना है तो उनके भी उचित सम्मान रखकर उनके लिए उसका क्या अलग ऑप्शन है वो भी सोचा जा सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत का प्रतीक प्रभु रामचंद्र थे। इसको राजनीतिकरण न करते हुए मैटर सब ज्यूडिस है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं अपेक्षा करता हूं जो प्रश्न राजनीतिक दृष्टि से सुलझाया नहीं जा सकता उसके सुप्रीम कोर्ट ने कानून के आधार पर उसके ऊपर जल्द से जल्द मार्ग निकालकर कोई निर्णय दिया तो निश्चित रूप में एक अच्छे यानी लोगों की अपेक्षा पूरी होगी और समस्याओं को भी सुलझाने का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पर ये तो केंद्र सरकार पर इल्जाम लग रहा है ना कि चुनाव के 5-6 हफ्ते पहले आप पिटीशन लेके आ गए, बीते 5 साल में 4.5 साल में आपको याद नहीं आई राम मंदिर की, आप क्यों पार्टी बनना चाह रहे हैं? राजनीतिकरण तो सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है। देखो, 5 साल में जब जब भी मीडिया ने मुझे, अमित भाई को, प्रधान किसी को भी प्रश्न पूछे होंगे, तब तब हमने, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह बात को स्वीकार किया है कि प्रभु रामचंद्र जी का जो जन्म स्थान है उस पर भव्य मंदिर निर्माण हो, और हम इस सब इस मत के हैं, हमने कभी इसको छुपाया नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि मैटर सब ज्यूडिस है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर विचार कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जब केस सब ज्यूडिस है तो कानून के दायरे में क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसमें अटर्नी जनरल लीगल डिपार्टमेंट का ओपिनियन लेकर हमने कुछ सोल्यूशन रखा है, रखने का हमारा वैधानिक संवैधानिक अधिकार है। पर गडकरी जी, आप ही के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था 2002 में कि वहां पर स्टेटस को बना के रखना सरकार के लिए जरूरी है। संसद का भाषण है उनका, वाजपेयी जी का। जहां जो विवादग्रस्त जगह है उसके ऊपर स्टेटस को रखना चाहिए, उन्होंने कहा था। आज भी विवादग्रस्त जगह को थोड़ी हम देने की बात कर रहे हैं, जो विवादग्रस्त जगह नहीं है उसके बारे में कहा है। ऐसे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कह सकता है कि हमको हमारी जमीन लौटा दो, हमको वहां मस्जिद बनानी है। अगर न्यास वहां पे मंदिर बनाना चाहता है, वो मेरे जानकारी से सुन्नी बोर्ड की वहां कोई जमीन है ऐसा तो नहीं है। हाँ, इलाहाबाद जो जमीन एक्वायर्ड की गई थी, आप इसको फिर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों ताला खोला था और उन्होंने तब क्या सोचा था, ये क्यों नहीं रेफरेंस दे रहे आप? आपको लगता है कि ये मामले को उछालकर बीजेपी ठीक कर रही है, जरूरी है मामले को इस वक्त? मुझे लगता है इस विषय को राजनीति से दूर रखकर सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब ज्यूडिस है, इसमें ज्यादा विवाद न करते हुए बने तक दोनों समाज साथ में आकर समन्वय से निर्णय हो। हम लोग, हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है, हम किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबका साथ सबका विकास, और हम सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।